वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्करणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूर्यसशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्त जनाश्री वंदे शिवम शंकरम ओम नमः शिवाय नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का खास प्रोग्राम भविष्यवाणी आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा लेकर आया हूं आपका साप्ताहिक राशिफल आइए देखते हैं कैसा रहेगा इस हफ्ते किस राशि का भाग्य सबसे पहले मेष राशि तो मेष राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह उनका मूड कुछ स्विंग होता दिखाई देगा तो वहीं तेईस तारीख के बाद अज्ञात भय की स्थिति कुछ परेशान कर सकती है मन किन्हीं कारणों को लेकर विचलित है तो भगवत भजन में समय व्यतीत करें कर्म ही पूजा है इस सिद्धांत पर कार्य करें और सारा ध्यान ऑफिस के कार्यों में बनाकर रखना होगा शिक्षा से संबंधित व्यापारियों को लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है कंपटीशन की तैयारी कर रहे युवा वर्ग अध्ययन पर ध्यान दें दे। समय बड़ा ही उपयुक्त है स्वास्थ्य को लेकर इस बार पोषक तत्व वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करें साथ ही ऊंचाई में काम करते समय अलर्ट रहें पिता से संबंध अच्छे रखें और पितृपक्ष के दिनों में रोजाना पितरों को जल अर्पण जरूर करें आपके लिए उपाय है कि आप कुछ के साथ में जौ तिल चावल लेकर जल में अगर किसी नदी नाले पर नहीं जा सकते हैं नदी या तालाब या नहीं जा सकते हैं तो एक बड़े बर्तन में जल भरकर अपने पितरों के लिए तर्पण घर पर ही करें अब आते हैं वृषभ राशि तो वृषभ राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह सफलता प्राप्ति के लिए अधिक संघर्ष और कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ने वाली है क्योंकि कहने मात्र से आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा सप्ताह मध्य में सुख सुविधाओं से आकर्षित होकर लोन व कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए ऑफिस में कार्यों को पूर्ण रखें साथ ही उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो इधर की बातें उधर करते हैं व्यापार के प्रसार प्रचार पर ध्यान दें मुनाफा आपके हाथ लगेगा और विद्यार्थी वर्ग समय को बर्बाद ना करें बल्कि पूर्व में याद किए गए अध्ययनों को दोबारा दोहराते रहना वहीं युवाओं को संपर्कों का लाभ भी मिलेगा और सेहत को लेकर इन्फेक्शन के प्रति आपको सजग रहना चाहिए सप्ताह के मध्य से पारिवारिक कलह से आप बचें पित्री पक्ष के दिनों में प्रत्येक दिन संध्या हवन अवश्य करें आपके लिए उपाय है कि आप बलि वैश्य देव जरूर करें नित्य प्रति अब आते हैं मिथुन राशि तो मिथुन राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह निवेश को लेकर प्लानिंग करना चाहिए तो वहीं दूसरी ओर मन हो सकता है कि मन के मुताबिक कुछ कार्य पूर्ण ना हो लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है क्रोध और नकारात्मक बोली से दूसरों को नाराज करें नौकरी पेशा से जुड़े लोगों का यदि हाल ही में प्रमोशन हुआ है तो वह कार्य में तेजी बनाए रखें और ग्रहों की स्थिति को देखते हुए वर्तमान समय में लापरवाही करनी आपको महंगी पड़ सकती है भूमि से संबंधित बिजनेस में सप्ताह के अंतिम दिन मुनाफे से भरा फायदा होगा नई पार्टनरशिप सोच समझ कर करें रक्त से संबंधित रोगों के प्रति अलर्ट रहें और पुराने रोग सक्रिय भी हो सकते हैं जीवन साथी को आजीविका के क्षेत्र में सफलता हाथ लगेगी और पितर पक्ष में पितरों के लिए फोटो पर माला अर्पण करें यह आपके लिए शुभ उपाय है अब आते हैं कर्क राशि तो कर्क राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह आक्रोश में आकर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लाए तो वहीं दूसरी ओर सफलता देखकर मन में ईर्ष्या भाव रखना दुखों का कारण हो सकता है और कर्म क्षेत्र से जुड़े लोगों को वास के इशारों को समझना होगा क्योंकि बॉस और आपका तालमेल इस बार बना रहेगा बेहद जरूरी है तालमेल को बनाए रखना व्यापारी वर्ग बड़ी डील को पाने के लिए गलत रास्ते का चुनाव ना करें युवा वर्ग भ्रम की स्थिति में सीनियर से सलाह लें विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस करना है मुंह से संबंधित विकारों के प्रति आपको अलर्ट रहना है पान पान-गुटखा व सिगरेट का सेवन करने वाले अलर्ट हो जाएं। अपनों के आदर सत्कार में कोई कमी ना रखें और आपके लिए उपाय है पितृपक्ष के दिनों में पितरों का श्राद्ध अवश्य करें और नित्य प्रति कौओं के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए रोटी पूड़ी जो भी आप बना सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार कौओं के लिए जरूर खिलाएं अब आते हैं सिंह राशि तो सिंह राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह अनावश्यक खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए करियर में उच्च शिक्षा उच्च पद की प्राप्ति के लिए कोर्स आदि करना उत्तम रहेगा ऐसे में 24 के से ग्रह भी आपको सपोर्ट करेंगे ऑफिस में लगातार एक ही गलती को दोहराना ठीक नहीं कॉस्मेटिक का व्यापार करने वालों को लाभ होगा और इलेक्ट्रॉनिक सामानों का व्यापार करने वालों को भी अच्छे मुनाफे हाथ लगेंगे जनरल स्टोर संबंधित व्यापारी सामानों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें सेहत में इस बार डिहाइड्रेशन पेट में जलन की समस्या से परेशान हो सकते हैं साथ ही बिजली व धारदार चीज़ों से बचकर रहें दुर्घटना होने की आशंका भी है मकान से संबंधित प्रयासरत लोगों को सफलता हाथ लगेगी और आपके लिए शुभ उपाय है घर से निकलने से पहले अपने पितरों को प्रणाम करके अवश्य निकलें और नित्य प्रति श्वान के लिए कुछ ना कुछ खिलाएं श्वान माने कुत्ता अब आते हैं कन्या राशि तो कन्या राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह शब्दों के महत्व को समझना होगा सभी के साथ मीठा और सौम्य बोलेंगे तो ऐसा करना वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए ही आपको कारगर साबित होगा सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत लोगों को कार्यपूर्ति के लिए दिन रात एक करना पड़ेगा तो वही दूसरी ओर उच्चाधिकारियों व बॉस का सानिध्य प्राप्त होगा व्यापारी वर्ग कर्मचारियों के प्रति व्यवहार रखें दवाइयों के व्यापारियों को अच्छा मुनाफा हाथ लगेगा कब्ज से संबंधित समस्या हो सकती है जो लोग किसी कारणवश हॉस्पिटल से लौटे हैं वे अलर्ट रहे घरेलू कलह में गिरावट आएगी अपनों के साथ संबंधों को मजबूत रखें और दांपत्य जीवन में स्थितियां यदि नकारात्मक हैं तो सजग हो जाएं। उपाय आप अपने पितरों के नाम पर जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं अब आते हैं तुला राशि तो तुला राशि वालों को इस सप्ताह सभी चीजों का तालमेल बनाकर रखना होगा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते समय उसके भुगतान की योजना पहले बना लें यात्रा के दौरान महामारी को लेकर अलर्ट रहें कार्य को लेकर मानसिक रूप से बहुत एक्टिव रहना होगा 22 सितंबर के बाद की गई मेहनत का परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा जिन लोगों को करियर से रिलेटेड दिक्कत थी वह ठीक होती नजर आएगी जो लोग थोक का व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनको कागजी कार्रवाई ठीक से कर लेनी चाहिए चेस्ट में जलन की समस्या को लेकर परेशान होना पड़ सकता है घर संबंधित वस्तु को बदलने के लिए सप्ताह उत्तम है और आपके लिए उपाय है कि पितर पक्ष में पितरों के नाम से पंडितों को भोजन कराएं और दक्षिणा दें अब आते हैं वृश्चिक राशि तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह पुराने किए गए निवेश लाभ के रूप में आपको प्राप्त तो वही दूसरी ओर स्वयं को अपडेट करने के लिए समय उपयुक्त चल रहा है कार्य में लगन और मैनेजमेंट अच्छा रहेगा साथ ही बॉस और उच्चाधिकारियों से कम्युनिकेशन गायब बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऑफिस में टीम का नेतृत्व करना पड़ सकता है व्यापारिक वर्ग धन की शुद्धता पर विशेष ध्यान रखें आयुर्वेद से संबंधित दवाइयों का कारोबार करने वालों के लिए पूरा सप्ताह मुनाफे से भरा रहने वाला सेहत में पेट संबंधित रोगों से अलर्ट रहना है बाहर की खाद्य पदार्थों से बचकर रहें माँ को इन्फेक्शन होने की आशंका है और उन्हें अलर्ट रहने की सलाह दें और आपके लिए उपाय है पितरों को प्रणाम करें और पशुओं को दाना डालें और पक्षियों को भी दाना चुगाएं अब आते हैं अगली राशि धनु राशि पर तो धनु राशि के जो जातक हैं इस सप्ताह जहां एक और परिस्थितियां और भाग का सपोर्ट पूर्ण रूप से मिलेगा तो वही दूसरी ओर अपनों के साथ आपके अहंकार का टकराव और अहम की बाणी ना बोलें। समाज में एक सात्विक छवि का निर्माण करना होगा वर्तमान समय में कार्य को लेकर दिमाग काफी एक्टिव है लेकिन सहकर्मियों से कंपटीशन रहेगा व्यापारी वर्ग अच्छे मुनाफे को प्राप्त करने के लिए इस दौरान व्यापारिक बुद्धि और मधुर वाणी का प्रयोग करें व्यापारी धैर्य रखें आने वाले दिनों में सामान का अच्छा मुनाफा मिलेगा हेल्थ को लेकर फिट और एक्टिव रहें साथ ही चिंता से भी दूरी बनाकर रखें घर की कीमती वस्तुओं को लेकर आपको अलर्ट रहना है और आपके लिए उपाय है पूर्वजों को प्रतिदिन जल से तर्पण करें और घर पर मीठा भोग अवश्य लगाएं अब आते हैं अगली राशि मकर राशि तो मकर राशि के जातकों को इस सप्ताह कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है आजीविका के नए अवसर आपके हाथ लगेंगे और करियर को लेकर एक्टिव रहें साथ ही महिला सहकर्मी और बॉस के साथ सौम्य व्यवहार रखें भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा और व्यापारी वर्ग के लिए यह सप्ताह लाभ देने वाला है जिसका पैतृक व्यापार से जुड़ने पर पछतावा हो रहा था धैर्य रखें अंत तक स्थितियां पक्ष में होंगी युवा वर्ग बुद्धि के बल पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे बालों से संबंधित दिक्कत या फॉल हो सकता है समस्या अधिक होने पर डॉक्टर से संपर्क करें और पारिवारिक लोगों का आपसी तालमेल कुछ बिगड़ सकता है संतान के साथ समय व्यतीत करें और आपके लिए उपाय है कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों के नाम पर पालतू जानवरों को भोजन कराएं अब आते हैं अगली राशि कुंभ राशि तो कुंभ राशि वालों को यह सप्ताह आपका प्रयास सभी मुश्किलों से बाहर निकलने में मदद करेगा जो लोग सामाजिक कार्यों में लगे हैं उन्हें दूसरों की मदद करने में आनंद आएगा और पुराने लिए गए ऋण को थोड़ा थोड़ा करके चुकाने की प्रक्रिया शुरू करें सरकारी विभाग में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिल सकता है तो वहीं दूसरी ओर बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशन में कार्य करने वालों को अच्छा इंसेटिव मिलेगा व्यापारियों को नेटवर्क एक्टिव रखने हैं लेकिन एक बात पर ध्यान रखना है कि बिना वरिष्ठ की सलाह लिए धन निवेश ना करें सेहत को लेकर सप्ताह के प्रथम दो दिन अलर्ट रहें और लापरवाही करने से बचना होगा पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा और तो दिव्यांगों की मदद करें आपके लिए शुभ उपाय है दिव्यांगों की मदद करें और पितरों के नाम पर उनकी हेल्प करें अब आते हैं आखिरी राशि मीन राशि और मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह जिम्मेदारियों का बहुत अधिक भार रहेगा ऐसे में थोड़ी मानसिक चिंता भी रहेगी इसलिए आप जितना कूल रहेंगे स्थितियां आपके फेवर में आएंगी जहां एक और ऑफिस में कार्यों को लेकर चुनौतियां मिलेंगी तो वहीं वे वजह की बातों पर सहकर्मियों के साथ उलझना ठीक नहीं है व्यापार में बदलाव का विचार बना रहे हैं तो आप इस सप्ताह रुक जाएं युवा वर्ग शांति के साथ मुश्किलों का सामना करें वाहन दुर्घटना और क्रोध के प्रति अलर्ट रहें, दाम्पत्य जीवन में विश्वास रखें जीवन साथी मित्रों के साथ वाद विवाद की आशंका है छोटी छोटी बात पर विवाद कार्य को डिस्टर्ब ना करें इस बात पर ध्यान दें। आपके लिए शुभ उपाय है कि पितृपक्ष में पितरों की फोटो की साफ सफाई करें और रोजाना उनके आगे घी का दिया जलाएं इससे आपको बड़ी सफलता मिलेगी मंत्रार्था सफल संतो सफल संतु मनोरथा शत्रुणाम बुद्धि न साय नमस्कार ओम नमः शिवाय आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले सप्ताह आपके नए राशिफल के साथ नमस्कार